हाय गाइस, आज जो बताना है यूनियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी, आप भूल गए। आपका यूजर आईडी कस्टमर आईडी होता, आपका पासबुक में रहते। पासबुक में जो कस्टमर आईडी रहते, यूजर आईडी आप चेंज कर सकते। कस्टमर आईडी देने के बाद आप यूजर आईडी चेंज कर सकते। यूनियन बैंक का ये फैसिलिटी है। आप यूनियन बैंक का कस्टमर आईडी जो रहते, वो यूजर आईडी रहते, वो आप चेंज कर सकते। चेंज करने के बाद आप किसी भी रीजन से आप भूल गए, बहुत दिन से आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करे, आप भूल गए, आपको लैपटॉप में बताएंगे इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी आपको कैसे मिलता, एक के बाद एक स्टेप बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप विश्वजीत। इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी कैसे मालूम करना, वीडियो शुरू करो, अब देखिए। गाइस, मैं लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद गूगल क्रोम से यूनियन बैंक का यूजर आईडी कैसे चेंज करना। मैं 5-6 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, यूजर आईडी कैसे मालूम करना। जैसे आप यूजर आईडी आप भूल गए, बहुत दिन से आप लॉगिंग नहीं करे इंटरनेट बैंकिंग लॉगिंग नहीं करने से यूजर आईडी आप भूल गए। यूजर आईडी आपको कैसे मिलना आपको बताएंगे, लाइव बताएंगे कैसे कैसे आपको मिल सकते। आपका जो यूजर आईडी पहले जो था, वही यूजर आईडी आपको कैसे मिलना। तो 5-6 महीने पहले जो वीडियो बना था, मेरे को बहुत प्यार दिया आप लोगों, पुराना यूजर आईडी कैसे मिलना एक वीडियो बनाया था, उसका अंदर मेरे को बहुत प्यार दिया आप लोगों। तो उसके लिए मैं 6 महीना हो गया वो वीडियो बनाया था। तो जो न्यू मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करे थे, वो टाइम पे मैं वीडियो बनाया था, अच्छी तरफ से मैं समझा नहीं पाए। तो उसके लिए मैं न्यू वीडियो आपको बना के दे रहे। तो पहले जो वीडियो बनाया था, मेरे को अच्छा प्यार दिए, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे यूनियन बैंक का साइट पे आ जाना। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे यूनियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग लिख के सर्च करिए। गाइस, ये यूनियन बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग ऑफिसर साइट है यूनियन बैंक का, वहाँ पे आ जाते। आने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे यूनियन बैंक होम बोल के लिखे से, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिटेलर यूजर आईडी लॉगिन बोल के लिखे से, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यूनियन बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग है वहाँ पे आ जाते। गाइस, इंटरनेट बैंकिंग में मैं लॉगिंग हो गया। लॉगिंग होने के बाद आपका जो यूजर आईडी आपके पास नहीं है, तो यूजर आईडी नहीं है बोलो तो आप लॉगिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे सर्विस बोल के लिखे से, उसके बाद देखिए फॉर्मेट रजिस्टर पासवर्ड बोल के लिखे से। गाइस देखिए तीसरे नंबर पे नो योर यूजर आईडी बोल के लिखे से, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस ये पेज पे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी, जो यूनियन बैंक का जो पासबुक में रहते, चेकबुक में नहीं रहते, अब कस्टमर आईडी यहाँ पे डालना पड़ता। आपका बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अब जो बैंक में मोबाइल नंबर दिए से, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ता। आपका जो ईमेल आईडी, अब जो रजिस्टर करे से बैंक में दिए से, वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ता। उससे बाद आपका अकाउंट नंबर, चारों चीज आप यहाँ पे फिलअप करना पड़ता। फिलअप करने के बाद ही आपको मिल सकते यूजर आईडी। तो मैं कस्टमर आईडी डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ईमेल आईडी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। पूरा डालने के बाद आपको बताएंगे। आपका पासबुक में पहला पेज में आपको कस्टमर आईडी मिल जाते। कस्टमर आईडी डाल दिए, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। उससे बाद आपका जो बैंक में ईमेल आईडी दिए से, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। उससे बाद अकाउंट नंबर, आपका बैंक का जो यूनियन बैंक का अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए। गाइस देखिए मैं पूरा फिलअप कर लिए, कस्टमर आईडी डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, ईमेल आईडी डाल दिए, अकाउंट नंबर डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे से आ रहे, यहाँ पे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर दिए से बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता, ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। गाइस देखिए मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया था, मैं डाल दिए। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली मेरा यूजर आईडी मेरे को मालूम हो गया। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके भी आपको बताता हूँ, मेरा यूजर आईडी मेरे को मिल गया। मेरा नाम भी यहाँ पे बता दे रहे, मेरा यूजर आईडी भी यहाँ पे बता दे रहे। मैं जूम करके आपको बताता हूँ। गाइस देखिए अब जूम करके आपको बता दिया, यूजर आईडी मेरे को मिल गया, मेरा नाम भी यहाँ पे बता दे रहे। तो ऐसे करके अब यूजर आईडी इजी हम निकाल दे सकते हैं। कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं, बैंक को भी जाने का जरूरत नहीं, एक का बाद एक स्टेप आपको बताया। गाइस अब जैसे यूजर आईडी आप भूल गए थे, अब यूजर आईडी मिलने के बाद इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर सकते। यूजर आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन होके आप हर चीज आप कर सकते। आप मनी ट्रांसफर कर सकते, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते, फंड ट्रांसफर कर सकते, और चीज आप कर सकते हैं। आप ये यूजर आईडी डाल के मैं लॉगिन करके आपको बताएंगे। गो टू लॉगिन पेज बोल के आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करिए।
सिलेक्ट करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग पे आ जाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आने के बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी डाल दीजिए। आपको जो यूजर आईडी आपको मिल गया थे वो यूजर आईडी यहाँ पे डालिए। यूजर आईडी डालने के बाद नीचे कैप्चा डाल दीजिए। डालने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो फोटो डाले से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका यूजर आईडी यहाँ पे बता देता है। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। आपको जो लॉगिन पासवर्ड है वो डालिए। गाइस लॉगिन पासवर्ड डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करिए। गाइस देखिए मेरा जो यूजर आईडी मिला वो यूजर आईडी डाल के मैं लॉगिन कर लिए। यहाँ पे देखिए मेरा नाम भी आ जा रहे। यहाँ पे पूरा हर चीज यहाँ पे मिल जा रहे। यूजर आईडी मिलने के बाद मेरा इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी आपको बताया, यहाँ पे पूरा डिटेल्स है मेरे को मिल जा रहे। इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी मिलने के बाद अब हर चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करके भी आपको बता दिए, यूजर आईडी डाल के लॉगिन करके आपको बता दिए। लॉगिन भी करके आप देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं आपका यूजर आईडी सही है क्या नहीं है। तो यूजर आईडी डालने के बाद आपको पूरा वीडियो में एक के बाद एक लाइव बताया कैसे कैसे अब यूजर आईडी आपको मिलना, आपको एक के बाद एक स्टेप आपको बताया। गाइस लैपटॉप से आपको बताया यूनियन बैंक का यूजर आईडी कैसे मालूम करना। भूल जाने के बाद भी यूजर आईडी आपको मालूम कर सकते हैं। वीडियो में पूरा जानकारी दिए कैसे कैसे मालूम करना, एक के बाद एक स्टेप आपको बताया। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल प्रेस करिए। वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। यही जानकारी देना था। शुक्रिया। बाय।